बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, ये कायनात अपना सफर जारी रखे हुए है। ये लामुतनाही का सफर है जिसके बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। जमीन आसमान कायनात अपना सफर जो है वो एक खास डगर पे चलते जा रहे हैं और उस डगर पे चलते हुए एनर्जी के मुख्तलिफ पैटर्न बनते हैं। कभी कोई सियारा किसी दूसरे सियारे के सामने आ जाता है, कभी एक सियारे की एनर्जी दूसरे सियारे की एनर्जी से मिलके जो है वो बेहतरीन मामलात तख्लीक देती है, कभी एक सियारे की एनर्जी दूसरे सियारे से मिलके मुश्किल हालात को जन्म देती है। यही उतार चढ़ाव जिंदगी, इस जिंदगी के इस उतार चढ़ाव को जानने के लिए जो है वो जिस इल्म का सहारा लिया जाता है उसको हम ज़ोडियक कंसल्टेंसी कहते हैं। ज़ोडियक कंसल्टेंसी बहुत सारे मामलात की तरफ जो है वो इशारा करती है और बहुत सारी चीजों के बारे में आपको आगाह करती है। आज हम एक ऐसी कंजक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन 12 के 12 स्टार्स को जो है वो बेहतरीन रिजल्ट देने जा रही है, लेकिन बात हम करेंगे टॉप 3 जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा वक्त आने वाला है उन स्टार्स की। और वो कंजक्शन बनती है सन और मार्स। निजामे शमसी में सूरज मरकज की हैसियत रखता है, सियारे उसके गिर्द घूम रहे हैं, मार्स जो है उसकी अहमियत निजामे बुरूज में बहुत ही ज्यादा अहम। ग्रीक मिथ में इसे जंग का देवता भी कहा जाता है, इसको अता का बादशाह भी कहा जाता है, इसको बादशाह गर भी कहा जाता है। ये अरूज देने में बहुत जो है वो मास्टर होता है। सूरज जिंदगी का इस्तियारा है, आगे बढ़ने का इस्तियारा है, हिम्मत का, इस्तकलाल का, तरक्की का इस्तियारा है। और जब ये जो है वो सियारे अपने आमने सामने आते हैं तो चीजें बहुत बेहतरीन तरफ जाती है। इसी तरह इस महीने के आखिर में जब सूरज और मार्स आपस में कंजक्शन बनाएंगे, बहुत जबरदस्त जो है वो मिलाप होने वाला है, तो फिर इनका इकट्ठे होना स्कॉर्पियो में, सूरज का और मार्स का इकट्ठे होना इतनी बड़ी ताकत को जन्म देगा कि ये शिद्दत से जो है ना वो ताकत को बढ़ाएगा। शिद्दत से ताकत को बढ़ाने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर अजम बढ़ेगा आगे बढ़ने का, उनके हौसले बढ़ेंगे, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उनके जो है वो मामलात कारोबार के बहुत अच्छे होंगे, उनकी जिंदगी में आसानियां आएंगी, मुश्किल तरीन हालात में सांस आना शुरू हो जाएगा। वो लोग जो मुश्किल तरीन हालात में हैं, जिनको सांस आना बंद हो गया, उनको सांस आना शुरू हो जाएगा। नई इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी, पॉजिटिव तब्दीलियां आएंगी, जबरदस्त किस्म की खुशहाली, जबरदस्त किस्म की जो है वो रेल पेल पैसों की, उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है माली इनामात की कसरत, माली मामलात की बेहतरी। ये कोई आम सा वाकया नहीं है, सूरज और मार्स का आमने सामने आना ये कोई आम सा वाकया नहीं होता। ये इंतहाई अहम फायदे ला रहा है इन तीन बुरूज के जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। माली कामयाबियों का मैंने जिक्र किया, तरक्की का जिक्र किया। इसको अगर कहा जाए कि कुदरत इनके ऊपर बहुत मेहरबान है, अल्लाह ने इनको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस सूरत में, खास तौर पर उन स्टार्स के ऊपर के जिनके अंदर जो है तजब्जुब की कैफियत है, ये करें ना करें इंडिसाइसिव वो में, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इनकी दौलत खुशहाली के लिए सुनहरी दौर का आगाज है। और बात सिर्फ यही है कि कायनात उन लोगों का साथ देती है जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं, जो आइडियल वर्ल्ड की बजाय रियल वर्ल्ड में जिंदा रहते हैं, जो अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, कायनात उनका साथ देती है। ये
मालो असबाब तो दे ही रहा है, रूहानियत में बढ़िया रूज दे रहा है, ये मौके बहुत सारे देगा। तो इन तीन स्टार्स को सबसे ज्यादा चाहिए कि अपनी आंखें और कान खुले रखें। उनमें पहला स्टार है एरीज। एरीज का तो रूलर प्लेनेट ही मार्स है, माली सरगर्मियां इनकी बहुत अच्छी हो रही है। सूरज और मार्स का मिलना, नए मंसूबे, बहादुरी। वैसे भी एरीज जो है वो सबसे ज्यादा दलेर स्टार माना जाता है, सबसे ज्यादा ब्रेव स्टार जो माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, दैट इज द एरीज। इनकी बहादुरी में इजाफा हो रहा है, बहादुरी होगी तो रिस्क भी ले जाएंगे, दलेर होके फैसले करेंगे, छोटी छोटी चीजों का जो है वो ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन बेपरवाही से फैसले नहीं करने। बेपरवाही से फैसले करेंगे तो नुकसान होगा। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। HRM नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनके अंदर बहुत अच्छा आ गया। कम्युनिकेशनल स्किल्स इनके लिए अच्छे आ गई हैं, चीजें इनकी बहुत अच्छी है। एनर्जी बहुत जबरदस्त फ्लो में आ गई है, खास तौर पे इस महीने के एंड में इनको आइडिया हो जाएगा कि चीजें कैसे किस तरफ जा रही है, और अगले आने वाले कई महीने ये फ्लो बरकरार रहेगा। ऐसे इम्कानात बनेंगे जो इनको फायदा देते चले जाएंगे, यानी एक फायदा नहीं, इनको आने वाले वक्त में फायदे होते चले जाएंगे। दूसरा स्टार लियो। क्रिएटिविटी इनके अंदर वैसे ही होती है, लीडर्स ये बॉर्न लीडर्स होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी इनके अंदर अपनी होती है। ये ऐसे करिश्मे दिखाएंगे, ऐसे जो है वो करामात करेंगे के दुनिया देखती रह जाएगी। दुनिया इनको यही कहेगी तुम कत्ल करे हो के करामात करे हो, तो ये करामात ही करेंगे आने वाले साल में, खास तौर पे 2024 में, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों की मैं बात कर रहा हूं, तो 2024 के पहले महीनों में इनको अपना स्पार्क एंड शाइन खुद नजर आ जाएगा। इनके अंदर जो स्पार्क एंड शाइन आ रहा है ये दुनिया देखेगी। सूरज और मार्स का मिलना लियो को स्पॉटलाइट में लेके आएगा, लोगों की नजरें इनके ऊपर होंगी, ये पिवट पॉइंट होंगे, ये अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। बहादुरी बढ़ेगी, दलेर वैसे ही होते हैं, क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर होती हैं। सिर्फ करना ये है कि मौके से फायदा उठाना, जैसे मैंने कहा आंखें खुली रखें, मौके बहुत मिलेंगे, चीजें बहुत अच्छी होंगी, मामलात बहुत अच्छे होंगे। तीसरा स्टार जिसके लिए बहुत अरूज बन रहा है वह स्कॉर्पियो। सूरज और मरीख के मिलने से इंतहाई शानदार नतायज आ रहे हैं, और सबसे बड़ी कुव्वत मदाफियत अपने अरूज पे होगी, इम्यूनिटी बहुत बेहतर होगी, बीमारियों से निजात मिलेगी, खास तौर के ऊपर वो लोग जिनको कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं और वो उसकी वजह से अपने काम को कारोबार को पूरा ध्यान नहीं दे पाते, वो बाहर निकलेंगे। माली फायद, दौलत की सेविंग, बहुत बड़े बड़े फैसले, एनर्जीज, चीजें बहुत अच्छी होंगी, उस जगह से फायदे मिलेंगे जहां से आपने सोचा नहीं है, उस जगह से आपको माल मिलेगा जहां से आपने सोचा नहीं है, वो प्रोजेक्ट जो आपके गिरे हुए हैं वो खड़े हो जाएंगे, वो प्लान जो आप कर नहीं पा रहे थे वो चलने शुरू हो जाएंगे। वो जो मैंने कहा है ना सुनहरी दौर, तो सुनहरी दौर होता क्या है आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। खास तौर के ऊपर इनके लिए 2024 भी बहुत अच्छा है, हम 2024 के ऊपर भी काम कर रहे हैं, करीब हम 2024 की वीडियोस भी अपलोड करनी शुरू कर रहे हैं, तो वो भी आप जो है वो इसी चैनल के ऊपर देखेंगे करीब 2024 में किस किस को क्या चाहिए, उसके बारे में भी हम जो है वो काम शुरू कर चुके हैं। नादिन ये जितनी भी चीजें हम आपको बताते हैं ना ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है, मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज्यादातर लोगों के यही असरात होते हैं, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है सिर्फ सन साइन मून साइन असर अंदाज नहीं होते। आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपके असेंडेंट, एक एक चीज मैटर करती है। फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल दायचे की तरफ आना चाहें इसी नंबर पर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को लाजमी पुश कर दें, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।